अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कर ली है, घर पर आ चुके हैं और इमरान ये खड़े हैं। हाँ, थक गए हम और आज हम गए थे। कैसा उम्मीद करता हूँ खैरियत से, मैं भी खैरियत से। तो आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन नाश्ता ये है कि हम रेस्टोरेंट में नहीं गए, मैं होटल में ही मैंने मंगवा लिया। मैंने कहा चले इरम आज नीचे बैठे कर लेते हैं क्योंकि चेयर पे कर करके जो है ना थक गए थे। तो नाश्ते में मैंने यहाँ से ये बिस्कुट ख़रीदे 15 रियाल के हैं और ये है पराठा यहाँ का, केक और अंडा, और ये है मेरी चाय। और आपको पता है चाय के बगैर तो ज़िंदगी नामुमकिन है। तो चलते हैं फिर नाश्ता करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और सबसे पहले तो सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और आप सब दुआएं करिएगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें खैर आफियत से हमारे उम्र अदा हो जाए। माशाल्लाह हमारे 3 उम्र हो गए, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो और उम्र करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं नाश्ते के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह और नमाज भी पढ़ ली है, अभी हम जा रही हैं मार्केट के लिए। तो चलते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं मक्के की मार्केट जी। और वैसे जा रहे हैं मक्के की मार्केट उतैबिया। उतैबिया हमने नेट से सर्च करा था कि माशाल्लाह मार्केट उतैबिया अच्छी है, गए भी थे मेरे ख्याल से, लेकिन नमाज का टाइम हो गया था, जल्दी बंद हो जाती हैं यहाँ मार्केटें, तो हम आ गए थे। लेकिन आज हम ज़रा जल्दी जा रहे हैं और पूरा अब देख के आते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं। चलते हैं फिर। ली है अल्हम्दुलिल्लाह और इमरान अब बिल पे करा रहे हैं। शॉप में थी ये तमाम चीज़ें, परफ्यूम्स वगैरह, देन मेकअप और फेस का मतलब फेशियल स्क्रब वगैरह, क्रीम, हेयर मास्क और लिप ग्लॉस, आई शेड, लिपस्टिक, और यहाँ पर हैं एयर फ्रेशनर। और एयर फ्रेशनर जो हैं गुड क्वालिटी, गुड प्राइस, गुड अरोमा और परफ्यूम अरोमा बेस्ट, आई लाइक इट। दिस साइड लिप मास्क, हेयर मास्क, ब्लैक हेड रिमूवर्स, बॉडी वैक्सिंग स्ट्रिप और इस पर जेल, ग्लव, लिपस्टिक्स वगैरह और सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ तक के आई शेडो किट और पेन, एक्चुअली एक हाथ में बैग भी है और आपको ओपन करके भी दिखा रही हूँ, शेड हाइलाइटर बेस्ट क्वालिटी, मोडा प्रोफेशनल मेकअप। और इमरान मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, चलें चलते हैं इमरान के पास। और भाई भी बहुत अच्छे हैं। आई एम यूट्यूबर, माय मिसेस माय चैनल नेम इरम इमरान। गुड शॉप एंड गुड प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कर ली है, घर पर आ चुके हैं और इमरान ये खड़े हैं। थक गए हम और आज हम गए थे मक्के की उतैबिया मार्केट में जी। और बहुत अच्छी मार्केट है, मार्केट मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। और वहाँ से हमने लिए समोसे और समोसे मैंने ऊँट वाले समोसे खा लिए थे, एक दिया था उन्होंने हमें और बाकी कीमे के लिए समोसे जी, बहुत जबरदस्त। और साथ में शवरमा, कोल्ड ड्रिंक और कुछ शॉपिंग की है, पप्पा वो खड़े हुए हैं। फ्रेंड्स आज के खाने में है हमारे आलू गोश्त बीफ का और अफगानी कबाब विथ राइस। प्यारी टू फैमिली आप सब भी आ जाएं और हमारे साथ खाना खाएं। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रहे पप्पा जी। तो इस वक्त फजर का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं नमाज फजर अदा करने के लिए हरम पाक में, खाने काबा के सामने। तो आप लोग भी हमारे साथ चलें, उसके बाद फिर हम करेंगे तवाफ और फिर आएंगे आराम से घर पे, ठीक है। तो इमरान की थोड़ी तबीयत अजीब सी हो रही थी, कह रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाएँ, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो इमरान घर पर हैं, पापा और मैं साथ हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ कर लिया है और खाने काबा का सुबह का मंज़र देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह तेबा में हुई पड़ता है बारा नूर का।
पापा दुआ मांग रहे हैं। में हुई सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह पापा और यहाँ पर इस वक्त इतनी सारी अब अभी लाइन थी ये रही साढ़े छः बज रहे हैं और ये देखें कितने सारे कबूतर हैं जो कि इधर हरम पाक में जो सहन मस्जिद है जहाँ पे सब नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर आए हुए हैं। है हमारा आज सेकंड लास्ट दिन तो हम जा रहे हैं हरम की तरफ। और इरम और अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अभी हम होटल में हैं और निकल रहे हैं अपनी बस में बैठने के लिए। होटल आप देख सकते हैं 23वें फ्लोर पे हमारा जो है ना वहाँ पर है रिहाइश और वो सामने हमारी बस खड़ी हुई है शटल सर्विस जो हमें हरम तक लेके जाती है किसवा टावर के नाम से है इरम। तो बस भी आ गई है वेट कर रही है और ये 5 टावर हैं, ये हम फेज़ 1 के अंदर हैं, ये 5 टावर हैं और शटल सर्विस खड़ी हुई है हमारी जो होटल ने हमें अरेंज करके दिए है यहाँ से और फुल एसी है ये। तो आज मैंने कहा मैं आपको जो है ना अपनी शटल सर्विस भी दिखा दूँ। तो ये है हमारी बस, चलो बैठो इरम। और ये इरम बैठ रही हैं यहाँ पर, मैं बैठ गया इरम के साथ। और पापा यहाँ बैठे हैं और ये है हमारी बस शटल सर्विस और फुल एसी है। और यह हमें होटल की तरफ से मिली है बस। इतनी हो रही थी आज है इरम कितनी ज़्यादा, 48 टेम्परेचर यहाँ का था। और हम अब हरम के बाहर आ गए हैं तो आपको दिखाता हूँ मैं। इंशाल्लाह ये देखें हम किंग फात गेट के सामने खड़े हुए बिल्कुल। और ये हमारे क्लॉक टावर है, मैं आपको ऊपर तक दिखा रहा हूँ सामने। और ये सब हमारा में इस वक्त हैं और धूप बहुत ज़्यादा है। और ये देखें हरम का मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर। और टेम्परेचर बहुत सख्त है यहाँ पर, आज कुछ ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो रही है, धूप जो है ना बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 47-48 टेम्परेचर है। तो यहाँ पर तो ये हम चले वहाँ से आबे जमजम भर लेते हैं जब तक हैं, वापसी में भरेंगे ना, पहले मॉल में चलो। ये कह रही है पहले मॉल में चले फिर पानी भी भर लोगे ना, फिर पानी लेके चलो। हाँ यहाँ पर भी कुछ चीज़ें वगैरह बेच रही हैं सारी, यहाँ पर सामान बिक रहा है, यहाँ पर ये जहाँ नमाजें वगैरह सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। तो माशाल्लाह थोड़ा ठंडक यहाँ महसूस हो रही है हमारी को। और ये चीज़ें ऐसे पर्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पर बिकते हैं, ये इत्र वगैरह। और अभी हम आ गए हैं KFC पे और मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ हरम का माशाल्लाह से। और वो सामने जो है ना वहाँ पर जो है ना आबे जमजम भरने का है, लेकिन इरम कह रही है कि पहले मॉल में चलो फिर भर लेंगे। हाँ। तो चलते हैं आज सफ़र टावर में चलें या इस वाले में तो चले गए थे ना हम, देख के आ गए थे, तो आज कौन से वाले में चलें। और अभी नमाज का टाइम है तकरीबन 1 घंटा है शायद, तकरीबन एक से डेढ़ घंटा है। तो हमने कहा चला जाओ KFC पे, देखा कितना रश है। और ये नया जो है ना हरम के बाहर में ना रहा है, ये तैयार हो रहा है और किंग फात तो तैयार है बिल्कुल सेम बनेगा बिल्कुल ऐसे ही। इस वाले में चलें या आगे अलसफ़ा वाले में चलते हैं। और ये यहाँ का बैंक है
ये है हरम का नज़ारा माशाल्लाह। सास मामू, ये मेरे मामू हैं, उन्होंने कहा था कि कबूतरों को दाना डाल देना, कहा था तो मैंने मदीने में डाला था। चना ले लो, चना ले लो, हाथ में आ जाएगा अच्छे वक्त। तो ये हरम डाल दिए माशाल्लाह से। हरम यहाँ आओ, कबूतरों में आओ। मुझे बहुत डर लगता है, मतलब फिर भी मैं कहीं। जाहिद मामू ये देखें, हमने जो है ना आपका दाना, ये बिल्कुल मैंने हरम के सामने कबूतरों को डाला है, ये हरम डाल रही हैं माशाल्लाह से। दिखाई हरम, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो डालो, ये लो, वाह वाह। ये देखो छोटे से बच्चे, लो 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 डालो डालो। तो ये जो है ना डाल रहा हूँ मैं, चले हरम। हाँ आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। इमरान यूं डाले ना फैला के। इमरान यहाँ पर तस्बीह वगैरह देख रहे थे, यहाँ पर लगे हुए हैं ये बाजार। और इमरान, इन्हें ये अच्छी लगी, इन्होंने ये ले ली तस्बीह। चले इमरान, ठीक है चले इमरान, मॉल चले, डर लग रहा है कबूतरों से। इस वक्त हम मौजूद हैं अल सफ़ा शॉपिंग मॉल में, और ये मक्के के अंदर है। इमरान मज़े का है, अच्छा है, मज़े का गेटू, ज़बरदस्त मॉल है। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर पाकिस्तान से कोई आएंगे तो अल सफ़ा टावर में लाजमी आएगा, वहाँ आपको अच्छी चीज़ और रियायती चीज़ और सेल मिल जाती है, और कम प्राइस में। प्राइस में तो ये पूरा मॉल है। अभी हम लोग ग्राउंड में है, हम है ना इमरान, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, और वो पूरा ये मॉल है ऊपर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और यहाँ पर तीन रियाल की जो शॉप है ना, वो बड़ी बेहतरीन शॉप है और अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। हाँ, आप अगर बार्गेनिंग करें तो इजीली आप ले लेंगे वहाँ से। जी तो इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह कल के मज़ेदार से ब्लॉग में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।